बच्चों, अब हम समीकरण निकाय के जो हल है वो संगत यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट असंगत होने के बारे में विचार करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो दो समीकरण है, a1x + b1y = c1 और दूसरा समीकरण है a2x + b2y = c2। ये समीकरण निकाय है। समीकरण एक और दो के निकाय का आयु रूप यानी मैट्रिक्स फॉर्म किस प्रकार से हो सकता है? बच्चों ध्यान से देखें स्क्रीन पर, जो समीकरण नंबर 3 से निरूपित है। एक मैट्रिक्स है a1 b1 और a2 b2। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इंटू 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक्स वाई है। इसमें कॉलम के अनुसार मैं पढ़ रहा हूं, इज इक्वल टू 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है c1 c2। तो समीकरण नंबर 3 ध्यान से देखें स्क्रीन पर, एक मैट्रिक्स है a1 b1 a2 b2 इंटू, और दूसरा मैट्रिक्स है 2x1 ऑर्डर का x y = c1 c2, वो भी 2x1 ऑर्डर का है। अब जो मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2 है उसको मैंने कैपिटल ए लिखा है, और जो एक्स वाई है दूसरे मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स लिखा है। तो ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी, हमने मान लिया है c1 c2 मैट्रिक्स को। ये समीकरण नंबर 4 है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ ए कैपिटल ए जो एक मैट्रिक्स है उसको मैंने a1 b1 a2 b2 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को माना है। कैपिटल एक्स 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई उसके अवयव हैं, और बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल c1 c2 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समीकरण नंबर 4 में हमने दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया है, तो आपको एसोसिएटिव लॉ से क्लियर है कि यदि हम इसको और कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाइड करें, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी हमें दिखाई देगा। और आप जानते हैं कि ए इनवर्स ए यदि किसी मैट्रिक्स के प्रतिलोम का उसके आयु से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ए इनवर्स ए की जगह मैं आई लिख रहा हूं, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो आई इंटू कैपिटल एक्स एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई इंटू कैपिटल एक्स हमें फिर से एक्स मैट्रिक्स देगा। तो ये सिंप्लीफाइड होके एक्स इज इक्वल टू हमें ए इनवर्स इंटू बी दिख रहा है, यानी और सिंप्लीफाइड किया जाए तो ए इनवर्स आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम आयु एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। तो ए इनवर्स की जगह मैंने एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए रखा है, जो समीकरण नंबर 5 में आपको दिख रहा है। एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू बी। अब डिटरमिनेंट ए का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड में कर दें तो हमें इसका एक और फॉर्म दिख रहा है जो समीकरण नंबर 6 में नजर आ रहा है। डिटरमिनेंट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बच्चों, ये समीकरण नंबर 6 ही है जिसकी सहायता से हम इस कंसिस्टेंट संगत निकाय के हल संगत या इनकंसिस्टेंट के बारे में विचार करेंगे। तो समीकरण नंबर 6 पर बहुत ध्यान से आप देखें, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है वो है डिटरमिनेंट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। जब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा, डिटरमिनेंट ए एक संख्या है, डिटरमिनेंट ए का मान यदि 0 होगा, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तब समीकरण एक और दो से बने निकाय का जो हल है वो कंसिस्टेंट संगत भी हो सकता है या इनकंसिस्टेंट यानी असंगत भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट पर ध्यान दें बच्चों,
केस फर्स्ट पर हम विचार कर रहे हैं कि जब व्हेन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो हो और इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू कैपिटल ओ हो, यहां कैपिटल ओ शून्य आयु है, जीरो मैट्रिक्स है, यानी समीकरण नंबर 6 का लेफ्ट साइड में प्रयुक्त डिटरमिनेंट ए का मान शून्य है और समीकरण नंबर 6 के राइट साइड में इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, ओ मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन में, इस केस में निकाय का हल संगत होगा और निकाय अनंतः अनेक हल, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन रखता है। निकाय कौन सा? समीकरण नंबर 1 और 2 से बने निकाय के हल अनंत अनेक हल होंगे और वो जो सिस्टम है वो संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा बच्चों कि ये क्यों हुआ, व्हाई? तो समीकरण नंबर 6 पर फिर आप ध्यान दें कि समीकरण नंबर 6 में लिखा है डिटरमिनेंट ए इंटू एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और पहले केस फर्स्ट में हमने ये माना है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए इन ब्रैकेट इंटू बी इज इक्वल टू ओ, जहां ओ शून्य आयु, जीरो मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट ए की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ओ, और जीरो इंटू कैपिटल एक्स सिस्टम 1 और 2 में जब हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदला था तो उसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैपिटल एक्स था, तो कैपिटल एक्स के जगह हम लिख रहे हैं इन मैट्रिक्स एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू उसी ऑर्डर का 2 × 1 ऑर्डर का ही हमें जीरो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, तो 0 0 कॉलम फर्स्ट में उसके एलिमेंट्स को लिखा है जो समीकरण नंबर 7 में आप देख रहे हैं। समीकरण 7 फिर से ध्यान दें, 0 इंटू मैट्रिक्स है कॉलम 1 में एक्स स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके कॉलम 1 में अवयव 0 0 है। समीकरण 7 को आप गौर से देखिए बच्चों, समीकरण 7 से एक्स वाई के किसी भी कोई भी मान, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का चाहे कोई भी मान रखा जाए, समीकरण नंबर 7 उसको संतुष्ट करेगा क्योंकि संगत अवयव 0 होंगे। एक्स का मान आप चाहे 2 रख दो, वाई का मान 3 रख दो, एक्स का मान 7/2 रख दो, वर्गमूल 2 रख दो, तो समीकरण नंबर 7 जो है एक्स के किसी भी मान के लिए, अनेकों अनेक हल के लिए, एक्स के अनेक मानों के लिए, वाई के अनेक मानों के लिए, रियल वैल्यू के लिए ये संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन थी केस फर्स्ट में कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो और इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो होने पर समीकरण नंबर 1 और 2 के निकाय का हल संगत, कंसिस्टेंट और अनंतः अनेक हल, ये समीकरण नंबर 1 और 2 रखता है, वो सिस्टम अनंत अनेक हल रखता है और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। किस केस में? पुनः ध्यान दें, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो हो और इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी बराबर ओ हो, ओ जहां उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स एक्स है, उसी ऑर्डर का शून्य आयु है। तो आप बच्चे बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 के निकाय का जो हल है वो संगत है, कंसिस्टेंट है और अनंत अनेक हल ये निकाय रखता है। अब बच्चों केस 2 में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। पहले केस में डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो था, इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो था। अब केस 2 में आप ध्यान से देखें, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि जब केस 2 में जब डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो हो और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू ओ हो, जहां ओ शून्य आयु है, जीरो मैट्रिक्स है,
तब समीकरण नंबर एक और दो के निकाय असंगत इनकंसिस्टेंट होंगे और निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि केस टू में इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ओ कहने से ये क्यों समीकरण नंबर एक और दो से बने निकाय का हल जो है वो इनकंसिस्टेंट है, असंगत है और निकाय कोई हल क्यों नहीं रखता है, इस पर हम विचार करें। तो बच्चों फिर से हम वही बात दोहराएंगे कि आपको समीकरण नंबर छः पर ध्यान देना होगा। समीकरण नंबर छः कह रहा है कि डिटरमिनेंट ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये समीकरण नंबर छः है। केस टू में हमने डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो माना था, तो लेफ्ट साइड का यदि कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू एक्स की वैल्यू मिलती है। और केस टू में मैंने ये कहा है कि इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ओ, जहां ओ शून्य आयु है, जीरो मैट्रिक्स है। तो सवाल ही नहीं उठता कि पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है, और जब हम कह रहे हैं कि इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब जीरो इंटू कैपिटल एक्स एक मैट्रिक्स है इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ओ, वो भी एक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इसको यदि मैं आपके समझने के लिए इसको सिंप्लीफाइड करूं तो जीरो की जगह मैंने जीरो रखा है, कैपिटल एक्स हमने किस मैट्रिक्स को माना है, टू इंटू वन ऑर्डर के मैट्रिक्स को माना है जिसके अवयव स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जीरो इंटू मैट्रिक्स में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई खड़े रूप में लिखा है इज नॉट इक्वल टू उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स, टू इंटू वन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जिसके अवयव शून्य होंगे, जीरो जीरो कॉलम वन में हमने लिखा है, ये भी टू इंटू वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो समीकरण नंबर आठ से स्पष्ट है जिसको मैं पुनः पढ़ दे रहा हूं, जीरो इंटू इन एक मैट्रिक्स है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई खड़े रूप में इज नॉट इक्वल टू खड़े कॉलम वन में जीरो जीरो उसके अवयव है वो टू इंटू वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समीकरण नंबर आठ से स्पष्ट है बच्चों कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में डिटरमिनेंट ए जीरो हो और एडजॉइंट ऑफ ए इन ब्रैकेट इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ओ हो, उस कंडीशन में निकाय का कोई हल नहीं होगा और निकाय इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। क्योंकि क्यों आप विचार करिए कि समीकरण नंबर आठ को संतुष्ट करने वाला ऐसा कोई भी अवयव एक्स और वाई का नहीं है, एक्स और वाई का ऐसा कोई मान नहीं है जो समीकरण नंबर आठ को संतुष्ट करे। तो बच्चों स्पष्ट है कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ओ के केस में, केस टू में निकाय जो है वो असंगत इनकंसिस्टेंट होगा और निकाय का कोई भी हल नहीं होगा।